दिल्ली में धर्म के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के समाजसेवी बसंत अग्रवाल को सम्मान मिला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी चौबे ने उन्हें सम्मानित किया है। बसंत अग्रवाल को जनसेवक के रूप में अपने समर्पण के चलते यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान से उन्होंने न केवल राजधानी रायपुर का बल्कि छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। सेवक की श्रेणी और हर कोई के चहेते छत्तीसगढ़ के बसंत अग्रवाल, जिन्हें हर कोई जानता है, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, उनका सम्मान जो है 5 केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में जो है वो किया गया है। स्वयं बसंत अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार समाज सेवा आप करते रहते, किसी पहचान के मोहताज नहीं, लोगों के चहेते हैं, कैसा लग रहा है सम्मानित होने के बाद? ये मेरा सम्मान नहीं है, प्रदेश का सम्मान है। ये मेरा सम्मान नहीं, सभी सनातनियों का सम्मान है। ये सम्मान हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मैं इस प्रदेश का लाल हूँ और ये मेरी माटी में इसका धरती पुत्र हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और समाज के क्षेत्र में यदि मुझे सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं लकड़ी काठी माटी से जो मेरी शुरुआत होती है, लगातार जो मैं, मेरे से जितना बनता है मैं सबकी जो मदद करता हूँ, आज 20 साल से यही कार्य कर रहा हूँ, उसका ये प्रतिसाद है कि 5-5 केंद्रीय मंत्री द्वारा इस उम्र में मेरा सम्मान हो रहा है। और आप लोगों का भी सहयोग है इसमें, क्योंकि मीडिया सही चीज़ को उठाती है तो ही लोग उसके प्रति और आतुर होते हैं कि हाँ हमें भी यह करना है। धर्म और समाज सेवा की श्रेणी में सम्मान हुआ है, आगे क्या करेंगे? क्योंकि देखते हैं हम हर तरह के, अलग अलग तरह के आप आयोजन कराते रहते हैं, अब सम्मान भी हुआ है, बहुत ही गौरव की बात है। आगे और क्या कुछ सोचा है आपने धर्म के प्रति या समाज सेवा के प्रति, क्या कुछ और करने वाले हैं आप? मैं हमेशा एक ही चीज़ चाहता हूँ, कोई भी कार्य किसी उद्देश्य से ना हो, हर कार्य के लिए एक ही चीज होनी चाहिए कि आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य सेवा है, बाकी क्या क्या मेरे प्रारब्ध में लिखा है ये तो मेरा भोलेनाथ ही जानता है। ये थे हमारे साथ बसंत अग्रवाल जी, जिनका हाल ही में 5 केंद्रीय मंत्रियों द्वारा धर्म और समाज सेवा की श्रेणी में जो है वो सम्मान किया गया। उनका यही कहना है कि लगातार वे इस कार्य को जारी रखना चाहते हैं और जीवन भर समाज सेवा से जुड़े रहना चाहते हैं। कैमरामैन रिजवान को रेशे के साथ मोहम्मद सन, NH24/7 रायपुर।